स्वर्गीय मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की याद में लगातार कई वर्षों से कला, संगीत और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके दिग्गजों को सम्मानित किया जाता है और इस बार भी मंगेशकर अवार्ड का आयोजन बड़े पैमाने पर बुधवार को मुंबई में आयोजित किया गया। दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा को फिल्म के क्षेत्र में उनकी समर्पित सेवा के लिए पुरस्कार दिया गया। संगीतकार प्यारेलाल शर्मा जी को भारतीय संगीत और सिने उद्योग के लिए उनकी समर्पित सेवा के लिए दीनानाथ पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं गोल्डन एरा की एक्ट्रेस माला सिन्हा को भी सिनेमा के क्षेत्र में उनकी निष्ठा सेवा के लिए सम्मानित किया गया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर को रंगमंच और जीवन भर की सेवा के लिए एक योग्य मास्टर दीनानाथ विशेष पुरस्कार भी दिया गया। गायिका उषा मंगेशकर को संगीत की दुनिया में उनके अहम योगदान के लिए दीनानाथ पुरस्कार से नवाजा गया। तो वहीं सिंगर और कंपोजर मीना मंगेशकर खडीरकर को दीनानाथ विशेष पुरस्कार दिया गया। दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा ने मिले इस सम्मान के बारे में बात करते हुए मीडिया से कहा, बहुत बहुत बड़ी शान है ये। एक मंगेशकर फैमिली ने जिन लोगों को अवार्ड दिया है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लता जी और तमाम मंगेशकर फैमिली, जिनको म्यूज़िक यानी मौसीकी में इतना इंटरेस्ट है कि वो तमाम दुनिया में इनका नाम लिया जाता है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह बना रखी है, बल्कि तमाम दुनिया में उनको याद किया जाता है और हर जगह पे बहुत बड़ी इज्जत के साथ उनके परिवार को, उनके परिवार कुछ चाहने वालों को बहुत इज्जत के साथ देखते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। सर, ये एक अवार्ड नाना पाटेकर का कहना था, बेहतरीन पुरस्कार है जिंदगी का, तो बड़ी खुशी है और क्या। नहीं तो मैं कहीं पुरस्कार स्वीकार करने में ना आम तौर पे जाता नहीं, लेकिन ये इतना बड़ा पुरस्कार है और इस बहाने सभी लोग मिले, आप लोग मिले, धन्यवाद। कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मत पूछिए, हाँ, इस बहाने, नहीं तो फिर ये अवार्ड का जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाएगा। कुछ नहीं, जो हमने आज तक काम किया है उसके लिए कोई पीठ पे हाथ रखता है बस, और कुछ नहीं। और इतना बड़ा सम्मान है मास्टर दीनानाथ जी लता जी के पिताजी, तो बड़ा अच्छा लगता है यार। कहीं ऐसे नहीं लगता कि पिताजी गुजर गए, माँ गुजर गई, फिर से लगता है कि माँ बाप को दोबारा मिले, तो बड़ा अच्छा। इस अवार्ड शो के दौरान शिवसेना सांसद संजय राउत सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद थे। नेशनल डेस्क, न्यूज़ लाइफ।